एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो आगे बढ़ने से पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड विश यू ऑल अ हैप्पी गणेश पूजा। सो वेल, आपको तो पता ही चल चुका होगा कि आज का ये वीडियो किस रिलेटेड है। सो वेल, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। बट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना एंड मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक। मैं सारे सोशल साइट्स के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। वेल लेट्स स्टार्ट। वेल आज ना बहुत जल्दी जल्दी रेडी होना है मुझे एंड मैंने सोचा आपके साथ आज बात करते करते रेडी हो जाती हूँ। सो पहले मैंने अपना फेस क्लीन सारा का सारा चीज़ कर लिया हुआ है एंड देख सकते हो मैं क्विकली मतलब रेडी होके आई हूँ। मैंने अपना ये नया वाला कुर्ता था, मैंने खरीदा था, वो भी मैंने प्रेस नहीं करा हुआ है। अब इतनी जल्दी जल्दी में थोड़ी याद रहता है। सो आज उतना हेवी नहीं करेंगे। जब आपको ज़्यादा क्विक टू गो वाला सिचुएशन हो ना, ऐसे मेकअप तब काम आता है। आप पूरी वीडियो देखें सुरट के आपको पता चलेगा कि आप जान सकते हो कि कैसे होता है। बट हाँ, इतना क्विक भी मत कर देना कि आप अपने जो बेसिक चीज़ें हैं उसको भूल जाओ। सो ये मैंने पहले प्राइम कर लिया अपनी स्किन को। टाइम है गाइस, तो शोर शराबा तो होगा ही। ये मैं प्राइम कर रही हूँ अपने आप सोच रहे होंगे ये क्या लग गया हुआ है, खून वून तो नहीं लग गया? ये आंवला है, कल तीज था हमारे यहाँ, उसको बाली तृतीया कहते हैं। सो इस रिलेटेड मैंने लगाया हुआ था। ओके, आई एम ऑल सेट। इसको थोड़ा सा टाइम दे देंगे। वेल मैं आपको बता दी, चलो ये जो कुर्ता है ना, ये मैंने मेशो से परचेज किया हुआ है एंड दिस इज सो ऑसम। वेल आप तो मैं और एक चीज भी शेयर करती रहूँ चलो, कि मुझे आपके साथ मेशो हॉल भी शेयर करना है बहुत जल्द। मैं क्या करूँगी ना, ये सेटिंग स्प्रे थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ। बाय द वे, प्राइमर ना लगाते हुए ये कर सकती थी बट बिकॉज मेरे पोर्स के इशू है तो मैं इसमें पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर आप अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ही कर रही हूँ, इसको भी ऐसे ऐसे टैप कर लेना। ये थोड़ा स्टिकी है, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमर इवन। अगर आपका नॉर्मल स्किन है ना तो आप गुड टू गो है। ऐसे सेटिंग स्प्रे भी आप यूज करेंगे प्राइमर के लिए, या फिर आपके ड्राई स्किन अगर है। ड्राई स्किन में प्राइमर सेटिंग स्प्रे आज प्राइमर यूज करना है तो डू ही सेटिंग स्प्रे। ओके, सो अभी क्विकली हम कंसीलर यूज करेंगे। ज़्यादा मत ओपन कर लेना। थोड़ा सा ये सेट करने के लिए एंड मैं आज कोई कलर करेक्टिंग नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्पॉट्स है ना, वहीं पे मैं थोड़ा अप्लाई करूँगी। ये जो कंसीलर है सेट होने के बाद पूरा स्किन जैसा ही आ जाता है। अच्छा, आप कंसीलर भी ना आपके स्किन टोन के हिसाब से ये खरीदेंगे। ओके, सॉरी गाइज, आज तो वेयर करना पड़ेगा बिकॉज आज मैं वॉइस ओवर नहीं दे सकती बिकॉज मुझे आज ही पोस्ट करना है आप लोगों के साथ, ये शेयर करना है ये वीडियो। एंड यहाँ पर तो बहुत शोर है और भाई सुबह का टाइम भी है। ये मैं ले रही हूँ, इसको क्या करो ना, एंड ये थोड़ा सा लगा लिया। एंड ये है कप्स एंड लैशेस के ब्रशेस, ये फाउंडेशन ब्रश है, इसमें थोड़ा सा ले लिया एंड अभी ये ब्लेंड करूँगी। ऐसे टेक्निक यूज करेंगे तो जल्दी ब्लेंड भी हो जाता है। ओके, मुझे आंख के साइड में भी थोड़ा देना है। अच्छा, है ना,
जब जो ये वाला जो एन वाई वे का है ना, ये थोड़ा अप्लाई करने पे ग्रीसी जैसा लगता है, बट आज और कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी जल्दी रेडी होना है। आपको लगता होगा कि कैसा लगने वाला है मेकअप, बट जल्दी जल्दी अगर आपको रेडी होना ना विद इन 10 to 20 या फिर 25 मिनट्स और लाइक हाफ एन आवर, तो यही बेस्ट ऑप्शन है भाई, और कुछ नहीं कर सकते। ओके, आईब्रोज मैंने सेट कर लिया हुआ है एंड बहुत गर्मी हो रही है, बिना फैन के रह नहीं सकते। अभी मैं क्या करूँगी ना, इन प्रोडक्ट को सेट कर दूंगी बाय यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर, दिस इज फ्रॉम मेबलिन। एक चीज तो गारंटेड है यार, मेबलिन के प्रोडक्ट माशाल्लाह मस्त है, सुपर है, बोले तो सुपर। अच्छा, तो कोई भी मुझे पूछता है कि अब डायरेक्ट क्यों नहीं बात करती, भाई डायरेक्ट कैसे बात करूंगी, वॉइस ओवर तो देना ही पड़ता है, बिकॉज इतना शोर जो होता है, आपको मेरी बात कहाँ से मतलब पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, अनोन तब तक मैं बहुत सारे टेक हो जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती हूँ। और मैं क्या करूँ ना, अच्छी तरह से इवन कि मेरे आईज पोर्शन में यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाया हुआ था, सो वो भी मैं अप्लाई करके अच्छी तरह से डस्ट कर लूँगी। सो आईज में थोड़ा कुछ देना है, सो मैं ये से थोड़ा ले रही हूँ, ये एन वाई वे का है, ब्लिंकन सिटी हॉल 1। अच्छा, तो जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं हो ना, तब क्या करना है, ऐसे ही लेना है, हाथ में लेना है, पूरा क्रीज लाइन में ऐसे अप्लाई कर देना है, टैप टैप मोशन में। अच्छा, ये पूरा पर्पल है जो कि मैच नहीं करेगा, थोड़ा बस उसको वर्क करवाने के लिए मैं क्या करूँगी ना, ऐसे ब्लश ले लिया, ये गुड टू गो प्रोसेस है, जब जल्दी जल्दी रेडी होना होता है ना तो ये काम में आता है। अब इस पर ऐसे थोड़ा सा ब्लश ऐड कर लिया, इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर ऐसे ऐसे करके अप्लाई करा, ऐसे ही नहीं रखने दूंगी इसको, अच्छी तरह से मैं ब्लेंड करूंगी, अभी हम जल्दी जल्दी भी ब्लेंड कर लेंगे। ओके, अच्छा ये हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पर्पल ही दे देती हूँ यार, थोड़ा सा शिमर आती है, ये थोड़ा सा दे दिया। एक चीज बहुत गलत कर रही थी, ऐसे पाउडरी प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल भी थोड़ा ज्यादा ले लो थोड़ा सा इसमें दे दो, नहीं तो बेस मेकअप भी जाएगा। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगी, ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और आई को अच्छी तरह से भी सेट कर लूँ। अच्छी तरह से पूरा ब्लेंड करूंगी, पूरे आईलिड पे इसको मैं ब्लेंड करूंगी अभी। ओह माय गॉड, हो गया, अभी इसको भी कर लेते हैं। वैसे मैं ब्राउन भी, अभी मैं क्या कर रही हूँ, काजल लगाने वाले थे ना, नहीं पहले हम क्या करेंगे ना, कहाँ गया मेरा कलर, हम कर्लर कर लेते हैं, आई मीन लैशेस को कर्ल कर लेते हैं। अच्छा, आप बता सकते हो मैंने अभी कुछ गलत किया हुआ है,
जल्दी जल्दी से कॉल कर लेंगे। कॉल कर लिया, उसके बाद मस्करा हम तो करेंगे, पर पहले मैं काजल कर लेती हूँ। ओके, ये ले रही हूँ मैं एनवाई बे का, ये इनर कॉर्नर से लेते हुए काजल यूज कर रही हूँ। अच्छा, तो ये जो है ना, इसको भी देना जरूरी है। मुझे इसमें प्रॉब्लम आता है, मेरे सेंसिटिव आईज है ना, मुझे आंसू आ जाते हैं। ओके, काजल कर लिया हुआ है, अब मस्कारा करते हैं। सो मैंने आईलाइनर जो है ऑफ कैमरा कर लिया हुआ था, एंड अभी जो है मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर दूंगी फेस में, इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉन्टूर एंड देन ब्लश भी अप्लाई कर लूँगी, एंड इवन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हाइलाइटर भी ऐड करूँगी, वरना मतलब फेस विदाउट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगेगा, बहुत प्लेन प्लेन सा लगेगा। सो मैं अभी यही अप्लाई कर लूँगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं यहाँ पर लिपस्टिक ऐड कर रही हूँ, आई मीन यूज़ कर रही हूँ, एंड लिपस्टिक के लिए मैंने दो शेड चूज़ किया था। सो गाइज, ये वाला जो लुक है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिकॉज ये मेरे साथ बहुत बारी होता है, बिकॉज ऐसे फेस्टिव ओकेजन में आपको जल्दी रेडी होना होता है विद इन सम 20 to 25 minutes, और आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिस कर जाते हैं। सो ऐसा होता है कि हम कौन सा यूज़ करें कौन सा ना करें। सो ये वाला इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली आप ऐसे गुड टू गो रेडी जल्दी हो सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, बट उसके लिए आप कुछ कुछ जो है मेकअप नहीं यूज़ करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स हम कम कर लेंगे, राइट। एंड आज का लुक कंप्लीट करने के लिए मैंने स्लिक बन भी किया हुआ है, एंड हियर इज माई फाइनल लुक। एंड उसके लिए मैंने ये ज्वेलरी, यू नो दिस इज अ स्टेटमेंट पीस, ये मैंने ऐड करा हुआ है, एंड जो ज्वेलरी लिया हुआ है मैंने, ये मैंने मार्केट बिल्डिंग से लिया हुआ था जो कि भुवनेश्वर में है। मैं कभी आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करूँगी जिसमें मैं मार्केट बिल्डिंग कहाँ है, क्या मिलता है वहाँ पे, वो सब डिटेल्स शेयर करूँगी। एंड बिंदी के बिना फेस्टिव लुक कहाँ ख़त्म होता है गाइस। सो यस, दिस इज इट। वेल, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे, एंड ये मेकअप लुक भी अच्छा लगे। इफ रियली यू डू, प्लीज़ लेट मी नो ऑन योर कमेंट्स। एंड जाने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू गाइज़।